नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र पटेल स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लब अकेडमी टेक में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग के पार्ट नंबर 15 के कुछ अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि दोस्तों आपके आगामी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए दोस्तों अति महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। दोस्तों जो बार बार परीक्षाओं में क्वेश्चन आते हैं, वही क्वेश्चन लाए हैं आपके लिए और आसानी के साथ भी हम क्वेश्चनों को आपको कराना सिखाएंगे। दोस्तों जिन्होंने इसके पहले 14 पार्टों को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दी हुई है दोस्तों, तो जाकर सारे वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि दोस्तों आपके एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। दोस्तों बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन क्या है सबसे पहले देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन सबसे पहले अच्छे से रीड करेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा कर सके। ठीक है, करें दोस्तों। जैसे 36 दिया हुआ है, 1600 दिया हुआ है, 196 दिया हुआ है, उसी तरह हमें यहाँ पर अगला पद निकालना है। दोस्तों जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हमें सबसे पहले देखो अप्रोच कैसी लगानी चाहिए। देखो यहाँ पर चाहे जो भी लॉजिक लग रहा हो दोस्तों, लेकिन सबसे पहले हमें अप्रोच क्या लगानी चाहिए दोस्तों, हमें यहाँ पर डिफरेंट देखना चाहिए। ठीक है, डिफरेंस कितना आ रहा है 36 और 100 के बीच, दोस्तों कितना डिफरेंस आ रहा है 64 का। ठीक है, 64 का डिफरेंस 36 और 24 के बीच आ रहा है, और 100 के बीच और 100 और 196 के बीच दोस्तों कितने का 96 का डिफरेंस आ रहा है। दोस्तों यहाँ से ऐसा कोई लॉजिक नहीं क्लियर हो रहा है आपको। ठीक है, तो आपको क्या दोस्तों दिमाग लगाना होगा फिर अगले, जैसे डिफरेंस ना क्वेश्चन हो तो दोस्तों क्या दिमाग लगाया जाता है कि आप यहाँ पर नंबर को अच्छे से गौर करके देखना। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों 36 लिखा हुआ है, यहाँ 100 लिखा हुआ है, यहाँ 196 लिखा हुआ है, तो आपको देखने में लग रहा होगा दोस्तों ये 6 का स्क्वायर होता है 36, 100 दोस्तों 10 का स्क्वायर होता है, ये 14 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो 6 का स्क्वायर पहले हुआ, फिर 10 का स्क्वायर हुआ, फिर 14 का स्क्वायर हुआ। ठीक है, तो 6 से 10 हो गया, 10 से 14 हो गया, दोस्तों 4 दोनों सब में ऐड हो रहा है, तो इसमें भी 14 में भी 4 ऐड हो जाएगा तो 18 हो जाएगा। दोस्तों हमारा यहाँ पर क्या आना चाहिए दोस्तों, तो 18 का वर्ग आना चाहिए। तो दोस्तों आप जानते होंगे कि 18 का वर्ग होता क्या है, 18 का वर्ग होता है दोस्तों 324, तो जो कि दोस्तों हमारे ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा 324 राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, और दोस्तों बहुत ही सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि MONKEY को 12, हैन को 3, ठीक है मतलब लिखते हैं तो टर्मिनल्स को किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप इसमें लॉजिक क्या लगाएंगे, देखो यहाँ पर आप देख रहे होगे यहाँ पर सारे लेटरों को अगर हम इनकी नंबर वैल्यू काउंट करके इनको योग कर देंगे सारे नंबरों का, तो 12 तो होगा नहीं कभी। ठीक है, और ना ही यहाँ से आप पता लगा सकते हैं छोटे छोटे नंबर दिए हुए यहाँ पर 8, 5, 13, 13, 14, 27, 27, 3 से कैसे इसका रिलेशनशिप कैसे होने किसी तरह नहीं हो रहा, तो आप दिमाग क्या लगाओगे इसमें दोस्तों कि MONKEY कितने लेटर दिए हुए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 लेटर दिए हुए हैं दोस्तों। ठीक है, तो आप क्या दिमाग लगा सकते हैं कि 6 का दोगुना कर देंगे तो 12 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे कि 3 लेटर दिए हुए हैं लेकिन यहाँ पर दोगुना कर देंगे 6 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 3 दिया हुआ है, तो ये तो लॉजिक हमारा फेल हो गया दोस्तों। ठीक है, तो आपको करना क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर 6 लेटर जो दिए हुए हैं तो उसका सिंपली 6 का दोस्तों क्या कर देंगे आप, वर्ग कर देंगे। 6 का वर्ग कर देंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 6 का वर्ग कर देंगे तो 36 हो जाएगा। ठीक है, 36 में जब आप 3 का भाग दे देंगे दोस्तों, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो इस तरह 12 उसने लिखा। इसी तरह हैन को आप इसमें देखो 3 लेटर हैं, HEN हैन, तो 3 का वर्ग कर देंगे दोस्तों 9 हो जाएगा, और 9 में 3 का भाग दे देंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह आप इसमें इसके लेटर गिन लेंगे, फिर उसका सिंपली वर्ग कर देंगे और डिवाइड 3 कर देंगे दोस्तों। देखें कितने लेटर हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो यहाँ पर दोस्तों 9 लेटर आ रहे हैं, तो 9 का वर्ग दोस्तों करेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों, 81। 81 में दोस्तों क्या करना होगा, हमें 3 का डिवाइड करना होगा, क्योंकि हमने सभी जगह 3 का डिवाइड किया है, यहाँ भी किया, यहाँ भी किया। ठीक है, तो 81/3 करेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा, 27, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ दोस्तों, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों जो लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी
ऑन कर लें, ठीक है, ताकि आपको इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो मिलती रहे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और हम आपको बता दें कि जो आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, जो लास्ट का क्वेश्चन रहेगा, होमवर्क के तौर पर क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षाओं में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन ही दोस्तों हम लाते हैं, और वही क्वेश्चन लाते हैं जो परीक्षाओं में, अगली परीक्षाओं में आने की संभावना रहती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, उसके पहले एक मोटिवेशन लाए हैं हम। मोटिवेशन है, मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिलें उन्हें मिलती हैं जो ज़िद पर अड़े होते हैं, ठीक है। ख्वाब तो बहुत लोग देखते रहते हैं, बहुत बड़े बड़े ख्वाब कि मैं ये बन जाऊँ, वो बन जाऊँ, मेरा NTPC निकल जाए, SSC का एग्ज़ाम निकल जाए, पर दोस्तों ख्वाब देखने से भर नहीं होता, ठीक है। सपने तो बहुत लोग देखते हैं, आप देखते हैं फॉर्म कितने लोगों ने लोग भर देते हैं, लेकिन मुश्किल से 3-4% बच्चे ही होते हैं। क्यों? क्योंकि वो सपने तो देखते ही देखते हैं, क्योंकि सपने देखना भी ज़रूरी है, ठीक है, और साथ में मेहनत जी तोड़ मेहनत करते हैं वो, ठीक है, तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा, सपने तो देखो चाहे ना देखो, ठीक है, और सपने भी देखना ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन क्या है, एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वही सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा कर सके, ठीक है दोस्तों। जिस तरह ESO, GQP, IOQ और MKS में संबंध है, उसी तरह हमें यहाँ से निकालना कि कैसे यहाँ पर खाली स्थान में क्या लिख सकते हैं दोस्तों। करना क्या होगा हमें, देखेंगे सबसे पहले, देखो करना क्या है, सबसे पहले आप इनके बीच डिफरेंस देखिए, लेटर बाय लेटर का काउंट करना होता है इसमें, पहले लेटर का पहले लेटर से कंपेयर करें, ठीक है, इसी तरह कंपेयर करना होता है। आप देख रहे हैं दोस्तों ई में कितना जोड़ रहा है, ये 2 जोड़ रहा है तो 7 हो रहा है, अब इस जी में कितना जोड़ रहा है, 2 जोड़ रहा है तो आई हो रहा है, और आई में दोस्तों यहाँ पर कितना हम जोड़ देंगे, 2 यहाँ पर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, IJK तो K आ जाएगा दोस्तों, ठीक है, K आ गया, हम यहाँ पर लिख देते हैं कि K आ गया। अब दोस्तों हमें K में भी 2 जोड़ना पड़ेगा, K में 2 जोड़ेंगे दोस्तों क्या आ जाएगा, KM, तो दोस्तों हम देखेंगे यहाँ पर M दिया हुआ है, तो हमारा हम मान लेंगे कि दोस्तों कि हमारे यहाँ पर K ही आएगा, तो हमारे जो अंग संख्या पूरी हो रही है तो हम मान लेंगे K ही आएगा। अब दोस्तों अगले लेटर पे देखेंगे, ऐसा कंपेयर क्यों से करेंगे दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों -2 हो रहा है, क्योंकि S आता है 19 पे, क्यू आता 17 पे, तो -2 हो रहा है, क्यू को O से कंपेयर करेंगे दोस्तों, यहाँ पर भी -2 हो रहा है, ठीक है, O में भी -2 कर देंगे दोस्तों, क्या आ जाएगा, तो M आ जाएगा, ठीक है, तो फिर से M आ जाएगा, ठीक है, तो K के बाद दोस्तों क्या आ जाएगा, हमारा M आ जाएगा। अब दोस्तों क्या करेंगे, M में -2 करके देखेंगे कि हमारा K आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो M में -2 करेंगे दोस्तों K आ रहा है, तो ये भी हमारा यहाँ पर KM राइट हो गया। और हम तीसरे लेटर कंपेयर कर देंगे, O में O से P तक जाना है हमें, तो दोस्तों 1 जोड़ रहा है, P से Q जाना है, 1 जोड़ रहा है Q, R 1 जोड़ेंगे R हो जाएगा, तो हमारा यहाँ पर KMR हो जाएगा, तो R में 1 जोड़ के देखेंगे RS, देखो यहाँ पर S आ रहा है, ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, KMR। देखते हैं दोस्तों किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर C में है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा हमारा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लग रहे होंगे, और बढ़ते रहिए और अपने माता पिता के सपनों को पूरा करते रहिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों। चौथा क्वेश्चन क्या है, यदि प्लस का अर्थ, ये दोस्तों बहुत बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, बार बार परीक्षाओं में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन है, यदि प्लस का अर्थ डिवाइड, डिवाइड का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ गुणे, और गुणे का अर्थ प्लस हो, तो इस दी हुई जो सीरीज दी हुई है इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों। हमें इसमें करना नहीं होता है कुछ, देखो इसमें करना क्या होता है, सिंपली हमें सीरीज लिख लेंगे और उसका नंबर लिखते जाएंगे, उसका सिंबल लिखते जाएंगे, चिन्ह लिखते जाएंगे क्या किसका दिया हुआ है, ठीक है। देखो हम बता रहे हैं आपको अच्छे से, आज के बाद आप इसमें कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। क्वेश्चन है हो, सबसे पहले हम लिख लेंगे 12 दोस्तों, ठीक है, 12 लिख लिया, अब प्लस को दोस्तों, प्लस को प्लस नहीं लिखेंगे यहाँ पर, अब जो क्वेश्चन ने बोला होगा वो लिखना पड़ेगा दोस्तों। क्या बोला उसने, प्लस का अर्थ डिवाइड है, तो भागे, तो प्लस की जगह दोस्तों क्या लिख देंगे हम, भागे लिख देंगे, ठीक है, और 6 लिख देंगे अब,
और दोस्तों 6 के बाद क्या है, डिवाइड, डिवाइड का अर्थ दोस्तों उसने क्या बताया है, माइनस बताया है, तो डिवाइड की जगह माइनस लिख देंगे। और यहाँ पर 3 है आगे, ठीक है। और दोस्तों माइनस है 3 के बाद, दोस्तों माइनस की जगह क्या बोला है उसने, माइनस का अर्थ गुणे है। यहाँ पर देखो बोला है कि माइनस का अर्थ गुणे है, ठीक है। तो माइनस का अर्थ गुणे, तो दोस्तों 3 × 2 लिख देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर मल्टीप्लाई है, गुणे का चिन्ह है, तो गुणे का अर्थ क्या बोला उसने, प्लस बोला है, तो यहाँ पर प्लस लिख देंगे सिंपली, और 8 लिख देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर सॉल्व कैसे करना होता है, बोर्ड मास रूल से, ठीक है, बोर्ड मास से, ठीक है, बोर्ड मास से ही क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो बोर्ड मास में करना क्या होता है, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर ऑफ को, फिर डिवाइड को, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। हम देखेंगे यहाँ पर दोस्तों हमारा क्या है, मल्टीप्लाई है सबसे पहले, हम सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई से पहले दोस्तों एक और चिन्ह है हमारा, यहाँ पर डिवाइड हमें दिखा नहीं है, सॉरी, इसका थोड़ा हम फॉन्ट मोटा कर लें। ये देखो दोस्तों यहाँ पर डिवाइड का चिन्ह है, ठीक है। दोस्तों पहले हम डिवाइड को हल करेंगे, क्योंकि बोर्ड मास के रूल में है कि डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई, ठीक है। तब डिवाइड को 6 में 12 का भाग देंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, 2 बार जाएगा, ठीक है, 2 बार जाएगा। तो अब माइनस करेंगे, अब इसका इनका गुणा कर देंगे, 3 × 2 कितना होता है दोस्तों, 6 होता है, 6 और प्लस 8 है, तो प्लस 8 करेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा, 2 × 8 = 10, 10 में 6 गई 4। तो दोस्तों देखेंगे किस ऑप्शन में 4 है हमारा, ऑप्शन नंबर बी में 4 है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन समझ में आया होगा, और क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो लोग नए हैं हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आप अपनी तैयारी को अच्छे से बूस्टअप कर सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा 5वां क्वेश्चन है, और हम आज काउंटिंग नंबर ऑफ ट्राइंगल के बारे में क्वेश्चन लेकर आए हैं, ताकि आपको हम इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझा सकें। तो आप दोस्तों क्वेश्चन को देख रहे होंगे, यहाँ पर देखो ट्राइंगल बन रहे हैं सभी जगह, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होती है दोस्तों, क्योंकि आप ऐसे एक एक गिनने बैठोगे तो बहुत टाइम एग्जाम में लग जाएगा। तो इसके लिए आपको छोटा सा बेसिक पता होना चाहिए दोस्तों, जब भी इस तरह का ट्राइंगल दिया होता है तो कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो हम थोड़ा सा करके बता दें आपको, देखो एग्जाम्पल ले लें, जैसे ये कोई ट्राइंगल दिया हुआ इस तरह, ठीक है, मतलब कि उसके कोई भी त्रिभुज है, उसके शीर्ष से सामने वाली भुजा पर उसके डिवाइड बन रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा साफ सा डायग्राम लेता हूँ ताकि आपको अच्छा सा क्लियर हो जाए। मान लिया कोई त्रिभुज है, उसके किसी भी शीर्ष से दोस्तों, जैसे ऊपर वाले शीर्ष से उसके सामने वाली भुजा पर क्या होता है, डिवाइडेशन हो रहा है, ठीक है। अब दोस्तों क्या करना क्या होता है ऐसे क्वेश्चनों में, सिंपली इसके नंबरिंग कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4। अब इनको क्या करते हैं दोस्तों, चारों संख्याएं को ऐड कर लेंगे, तो 1, 2, 3, 3, 3, 6 और 4, 10, तो यहाँ से 10 त्रिभुज बनेंगे। तो दोस्तों ऐसे ही यहाँ पर काउंटिंग कर लेंगे, कितने, 2 बन रहे हैं ना, 1 और 2 स्लॉट बन रहे हैं, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से 3 बन जाएंगे ट्रायंगल, ठीक है। पहले ऊपर की आकृति गिन रहे हैं अभी, जो मिक्स वाली नहीं हुए उनको अभी नहीं गिन रहे हैं, बाद में गिनेंगे, ठीक है। अब दोस्तों हमें क्या दिख रहा है, ये वाली फिगर भी दिख रही हैं, ये वाली फिगर, ठीक है। इस वाली फिगर में दोस्तों करना क्या, इसका बेसिक क्या होता है, देखो जब भी इस तरह की फिगर दी हुई हो, तो चाहे जितने पार्टों में इस तरह डिवाइड हो, ठीक है, सिंपली करना क्या होता है दोस्तों, उसकी नंबरिंग कर लेते हैं, सिंपली 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, देखो 8 पार्ट यहाँ पर एक एक त्रिभुज से मिलकर बन रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों सिंपली करते कि यहाँ जो इस तरह की फिगर में 8 पार्ट, जैसे सबसे बड़ी संख्या हमारी 8 है, यहाँ पर सिंपली हमें 8 × 2 कर देना है, तो जितना आएगा नंबर 16 आ गया, तो इतने हमारे यहाँ पर ट्राइंगल बनेंगे, ठीक है। तो दोस्तों अब इसी तरह हम यहाँ पर भी काउंट करने वाले हैं, देखो यहाँ से हम इनको काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, तो 4 × 2 दोस्तों यहाँ से 8 बन जाएंगे, सेम फिगर यहाँ पर भी है, 8 फिगर यहाँ से बन जाएंगे हमारे, और 8 ट्राइंगल यहाँ से बन जाएंगे, ठीक है। तो अब हम सिंपली इनको बड़ा जो ऊपर के हैं उनको गिन लेंगे, 8 × 3 = 24, 8 × 16 = 24 और 3 तो 27, तो देखो हमारे दोस्तों ट्राइंगल काउंट हो गए, ठीक है, जो कि सभी लोग गिन सकते हैं आराम से। अब दोस्तों आती है बात, जो अंदर के पार्ट होते हैं उनको गिनने में कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है, तो आज हम अच्छे से समझा देंगे, इस तरह के क्वेश्चन आपको फिर कभी दिक्कत नहीं जाएगी इस तरह के क्वेश्चन में। देखो अब दोस्तों हमने तो बड़े ऊपर के पार्ट गिन लिए, अब दोस्तों देखेंगे, देखो एक ट्राइंगल ये बन रहा है हमारा, ठीक है,
अब हम थोड़ा कलर भी चेंज करते जाएं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो सके। देखो एक फिगर ये बन गया, ठीक है, दो बन गए ना ऊपर से, ऊपर वाले त्रिभुज से दो बन गए। अब इन दो त्रिभुजों में कंपेयर करेंगे, देखो कौन कौन से बन रहा है। एक तो दोस्तों ये बन रहा है एक, ठीक है, और कलर चेंज कर लें ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन होना हो। और एक दोस्तों ये बन गया, देखो इन दोनों को मिलाकर ये बन गया, तो दो दोस्तों यहाँ से बन गए, ठीक है। अब दोस्तों इस त्रिभुज को देखेंगे, यहाँ पर जो त्रिभुज से बन रहे हैं उनको देखेंगे, ठीक है। देखो एक बन गया यहाँ से, देखो, और दूसरा दोस्तों ये बन गया। दोस्तों यहाँ पर भी दो बन गए, तो हमारे यहाँ से दो तिहाई छः और एट हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे दोस्तों 33। आप खुश हो जाओगे 33 को देखते ही, ऐसे लगाओगे आप, ऐसे एग्जाम मन लगा देगा। ऐसे क्यों लगा देगा? क्योंकि आपने अभी दिमाग अच्छे से लगाया नहीं है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अभी जो तीन वर्ग बन, ये तीन जो आकृतियाँ नीचे की बनी हुई ना, इनसे मिलकर एक और ट्राइंगल बन रहा है। कौन सा? सबसे बड़ा वाला। देखो हम बता दें आपको, बहुत ही प्यारा लॉजिक है इसमें, ठीक है। देखो ये गया बना, समझ में आया? देखो हम थोड़ा सा फॉन्ट मोटा ले लें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। ये देखो सबसे बड़ा वाला ट्रायंगल ये बन रहा था। यहीं पर बच्चे लोग गलती अधिकतर करते हैं, 33 में 33 एग्जाम में करके आते हैं, एग्जाम में ऐसे गोद देता है, ठीक है, कट कर देता है नंबर। दोस्तों एक और बन जाएगा तो हमारा कितना 34 आ जाएगा राइट आंसर, ठीक है। 34 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये फिगर बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। और दोस्तों इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो लोग नए हैं दोस्तों। और अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों आपका होमवर्क के तौर पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन को हम एक बार पढ़ देते हैं। पांच लड़कियां एक पंक्ति में बैठी हैं, प्रतिमा मोना के दाएँ हैं, निधि मोना के बाएँ, लेकिन नताशा के दाएँ हैं, प्रतिमा अनु के बाएँ हैं, तो सबसे बाईं ओर कौन सी लड़की बैठी है? ऑप्शन है अनु, नताशा, प्रतिमा, निधि। दोस्तों इस हम उम्मीद करते हैं कि आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे अगर आपसे होता है। और अगर नहीं आपको समझ में आता है तो आप प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दी हुई है रीजनिंग की, तो पार्ट नंबर 4 का वीडियो देख लेना, तो आपको हम अच्छे से समझाए थे वीडियो में, तो देख लेना तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों ख्याल रखना अपना, और दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट अगले पार्ट में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, ठीक है।